पुष्कर के नए रंगजी मंदिर में जारी 15 दिवसीय झूला महोत्सव के पांचवे दिन मंगलवार को भगवान कृष्ण की लीलाओं और मोहिनी स्वरूप को देखने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दर्शनार्थियों के लिए मंगलवार को सबसे आकर्षण का केंद्र रही सुरसा राक्षसनी का राम भक्त हनुमान को मुंह में लिया हुआ दृश्य। इसके अलावा भगवान कृष्ण की मनमोहक लीला का बखूबी वर्णन किया गया। वहीं तीर्थ दर्शन के लिए चित्रकूट की झांकी सजाई गई। मंदिर में भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित भजनों की सरिता में लोग पूरी तरह से डूबे नजर आए। स्थानीय लोगों के अलावा रामदेवरा जातरुओं ने भी झूला महोत्सव का आनंद लिया। आगामी 14 अगस्त को एकादशी के अवसर पर कई प्रकार के नवाचारों के साथ झूला महोत्सव का खास दिन रहेगा। झूला महोत्सव हमारे वार्षिक जो उत्सव है उसका आज पांचवा दिन है और हर दिन भगवान का श्रृंगार रोज नित्य नवीनतम हो रहा है। अयोध्या जी का सीन दिखाया गया है और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। भीड़ भी काफी अच्छी है, कल भी बढ़िया थी, आज भी भक्त लोग काफी अच्छी तादाद में है। आदर्श नवयुवक महिला मंडल के द्वारा मंगलवार को आदर्श नगर गांधी भवन में सावन उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिला मंडल के सदस्यों द्वारा सावन रा झूला उत्सव कार्यक्रम में गीत संगीत नृत्य मनोरंजक खेलों के साथ महिलाओं ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। कार्यक्रम में लकी ड्रॉ भी निकाला गया। सभी सदस्यों ने सावन के गीतों पर झूमते नाचते मौसम का आनंद लिया। इस मौके पर लता गुप्ता, राधा चौहान, मीना शर्मा, शशि गुप्ता, स्मिता शर्मा, प्रभा शर्मा, बीना गोयल, रंजना चतुर्वेदी, बीना सोलंकी, मनीषा भाटी, ज्योति झा, स्थानीय पार्षद रेखा शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रही। आदर्श नगर में सावन उत्सव मनाया गया है नव युवक महिला मंडल द्वारा और आदर्श नव युवक मंडल के तत्वाधान में और सब लेडीज से लेरिया पहनकर आए। इसमें चेयरेस रखी है और लेडीजों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज रखी गई है। डांस है, बहुत अच्छे अच्छे झूले लगवाए और सबके लिए खाना है। महिला मंडल की तरफ से सावन उत्सव मनाया गया है जिसमें यहाँ लेडीज के लिए बहुत तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं मनोरंजन के, जैसे म्यूजिकल चेयर है, लेडीज के लिए झूले रखवाए गए हैं और मनोरंजन के लिए लेडीज के लिए डांस रखा गया है उसके, और उसके अलावा भोजन भी है लेडीज के लिए, यहाँ पे खाना भी रखा गया। श्रावण माह शुक्ल पक्ष की छठ को सावन के तीसरे मंगलवार को परंपरा के मुताबिक बिहारीगंज सात पिपली बालाजी स्थित हनुमान मंदिर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेला स्थल पर अस्थाई खेल खिलौनों और चाट पकौड़ी की दुकानों के साथ झूले, चक्री और हिंडोलों से मेला स्थल आबाद रहा। मेले में आए श्रद्धालुओं ने बालाजी को मिष्ठान, मेवा और नारियल प्रसाद समर्पित कर मनोकामनाएं मांगी। इस अवसर पर मेला कमेटी की ओर से मंदिर को रंगीन रोशनियों से सजाकर बालाजी का नैनाभिराम श्रृंगार किया गया। मेले में आए मेलार्थियों ने मेले में खरीदारी करते हुए जमकर लुत्फ उठाया। प्रतिवर्ष श्रावण मास के तीसरे मंगलवार को हमारे यहाँ बालाजी का मेला बढ़ता आया है। करीबन इस मेले को बढ़ते हुए 80-85 साल हो चुके हैं और प्रतिवर्ष हजारों लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी भगवान बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके भी आनंद होता है, सबको आनंद मिलता है।